सुल्तानपुर में सपा प्रत्याशी रामभुआल निषाद के काफिले से परेशान। सपा और इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी रामभुआल निषाद की शिकायत। शोभा यात्रा के आयोजक ने लगाई निर्वाचन आयोग से गुहार। आयोग को गंभीरता से लेना चाहिए। शोभा यात्रा में जबरदस्ती शामिल होने का लगा आरोप। सपा प्रत्याशी के काफिले से बच्चे और औरतें हुई परेशान। रामभुआल निषाद पर लगा कलश यात्रा में अराजकता फैलाने का आरोप। अपनी भीड़ को लेकर आए यहाँ, जिससे लोगों में बड़ी अव्यवस्था हुई। कैसा प्रत्याशी है किसी से मिला नहीं, खाली डिस्ट्रैक्ट करके चला गया। सुल्तानपुर लोकसभा सीट 38 पर आए दिन कुछ न कुछ सपा और इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी को लेकर आरोप लगते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मोस्ट बैकवर्ड संस्थान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दलित पत्रकार से अभद्रता का आरोप लगा और पत्रकारों ने कोतवाली नगर में तहरीर दी। या तो बात कर लीजिए चाहे हमसे बात करिए, बंद कर ऑनलाइन आप बात करिए, आप बंद कर लीजिए। वो मामला अभी शांति हुआ था कि अब प्रत्याशी रामभुआल निषाद पर धार्मिक शोभा यात्रा में जबरदस्ती बिना किसी से बातचीत किए अपनी भीड़ के साथ शामिल होकर पूरी शोभा यात्रा को डिस्टर्ब करने का आरोप आयोजक ने लगाया है। मामला बंधुआ कला के सहाबागंज बाजार का बताया जा रहा है, जहां पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं बच्चे शामिल थे। आयोजक का कहना है कि अपने 10-12 गाड़ी के काफिले से आए रामभुआल निषाद, जो कि सपा और इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी हैं, बिना किसी से बातचीत किए हुए शोभा यात्रा में जबरदस्ती शामिल हो गए और यात्रा को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया। अपनी भीड़ को लेकर आए यहाँ, जिससे लोगों में बड़ी अव्यवस्था हुई। लोगों में काफ़ी चर्चा है कि कैसा प्रत्याशी है किसी से मिला नहीं, खाली डिस्ट्रैक्ट करके चला गया। अब इस चीज़ को चुनाव आयोग को गंभीरता से लेना चाहिए। बाकी उनकी मर्जी है, दिक्कत ये हुई भीड़ भाड़ में बच्चे थे, महिलाएं थी, सब डर का माहौल बन गया। आयोजक ने आगे कहा कि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और ऐसे में इस तरह का कृत्य प्रत्याशी का किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करना चाहिए। अब देखना ये होगा कि इस शिकायत का निर्वाचन आयोग पर क्या असर होता है और क्या इस पर संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं। सुल्तानपुर से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए नफीस खान के साथ एडवोकेट अंकुश यादव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।